हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक बाइकर में। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओकिनावा लाइट। ये ओकिनावा की लो स्पीड स्कूटर है। इसको चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और आरटीओ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल मीटर है, आप लोग देख सकते हैं, और डिस्क ब्रेक भी है इसमें। और ये पावर दी चेंज जो लिखा हुआ है वो लाइट है। जब गाड़ी ऑन करते हैं तो ही जलता है, ऑफ करने के बाद ये बुझ जाता है। सामने आप लोग इंडिकेटर देख सकते हैं, इसका एलईडी लाइट यूज़ किया गया है जिसके वजह से बैटरी कम कंज्यूम होती है। ये है इमरजेंसी लाइट जो जलता है तो सामने वालों, मतलब सामने में जो भी आपका व्हीकल रहता है वो लोग आप लोगों को साइड देता है। 250 वाट की मोटर है इसमें, चार बैटरी है, 48 वोल्ट की गाड़ी है। टॉप स्पीड इसकी है 33, जो अभी आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा, चलाकर भी दिखाने वाले हैं। सामने ओकिनावा की ब्रांडिंग है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ओकिनावा की ब्रांडिंग सीट में भी दी गई है। बैक लाइट भी आप लोग देख सकते हैं, ब्रेक मारने पर कुछ इस तरीके से जलती है रेड लाइट इसकी। ग्रीन नंबर प्लेट है क्योंकि नंबर तो इसमें लगता नहीं है चलाने के लिए। बैक लाइट देख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट राइट और रेड कलर की बैक लाइट जलती है जब आप लोग ब्रेक प्रेस करते हैं। बैक में डिस्क ब्रेक नहीं है, नॉर्मल ब्रेक है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, सामने वाला ब्रेक जो है वो डिस है, जो बहुत ही अच्छा है। गाड़ी फटाफट कंट्रोल हो जाती है। डिज़ाइन बहुत अच्छी है गाड़ी की। हेडलाइट एलईडी है जो रात में रास्ते में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी गाड़ी चलाने में। बूट स्पेस इसका बहुत अच्छा है। ये साइड में पैर रखने वाला सिर्फ पुश करने से ओपन हो जाता है और वापस उस तरीके से ही लग जाता है। तो ये सब इसका बेसिक फीचर्स था, आप लोग देख सकते हो। सामने में स्टार्ट स्टॉप का बटन है जो ब्लू कलर का जलता है। ये हुक है बैग टांगने के लिए, बहुत ही अच्छा है। 5 से 6 आवर में ये फुल चार्ज हो जाती है, 5 से 6 घंटे में। पूरा डिस्प्ले इसका एलईडी है, डिजिटल मीटर है, डिजिटल डैशबोर्ड है इसका। इसको चलाने के लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो आरटीओ। टॉप स्पीड इसका आप लोग देख सकते हैं, अभी हम चलाकर दिखाएंगे। ये जो गाड़ी का ऑनर है वो गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया मुझे ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी ये गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। टॉप स्पीड इसकी 33 है, जहाँ तक मतलब हम लोगों ने कोशिश किया इसको टॉप स्पीड उठाने की। मतलब उतने देर में कोई सामने में बम्पार्ट आ जाता है या कोई गाड़ी आ जाता है तो उससे ज़्यादा हम लोग इसको उठा नहीं पाए, लेकिन टॉप स्पीड 33 इसका उठा पाए हम लोग। मुझे लगता है कि मोटा मोटी 35 to 38 किलोमीटर की स्पीड ये पकड़ सकती है, ऐसा लगता है। मतलब उतना स्पीड हम लोग उठा ही नहीं पाए, बहुत कोशिश किया लेकिन उतना स्पीड उठा नहीं पाए। आप लोग देख सकते हैं रोड में बहुत जाम था इस वजह से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी मैं तुम लोगों के लिए ऐसी अलग अलग इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो ला सकूं और आगे आप लोगों के दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन मिले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, स्कूटर के बारे में, बाइक के बारे में। तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, उन लोगों को भी पता चले। और ये जो ऑनर है, इन्होंने मुझे बताया कि इनको ये स्कूटर 62,000 की पड़ी है, जो ओकिनावा की शोरूम है कोलकाता में, मोमिनपुर के तरफ, अलीपुर के तरफ पड़ती है ये शोरूम। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, सिर्फ 2 आदमी बहुत आराम से बैठ जाता है। छोटी सीट है, 2 आदमी, लेकिन ठीक है, 2 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे को ज़रूर दबाना ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सामने आप लोग एक यो की एक्सप्लोर खड़ी देख सकते हो, ये मेरी गाड़ी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।